आज हम करने जा रहे हैं जकोबिस मेथड। जकोबिस मेथड, ये मेथड से हम क्या कर सकते हैं, वी कैन फाइंड द आइगन वैल्यूज ऑफ ए रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स बाय यूजिंग दिस जकोबिस मेथड। तो हमारे पास क्या है, ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए आई जे एन क्रॉस एन। ये एक्चुअल में क्या है, दिस इज रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और जकोबी मेथड क्या करता है, हमको हेल्प करता है इस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर फाइंड आउट करने के लिए। तो देखो, सिमेट्रिक है दैट मीन ए ट्रांसपोज किसके बराबर होगा, ए के। ठीक है, अगर ये मैट्रिक्स रियल सिमेट्रिक है, इट्स आइगन वैल्यूज आर, इट्स आइगन वैल्यूज आर रियल एंड देयर एग्जिस्ट ए रियल ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बी सच दैट बी इनवर्स ए बी, ये किसके बराबर होगा, डी के बराबर, वेयर डी इज ए डायगोनल मैट्रिक्स। अब देखो, जो ए की आइगन वैल्यूज होंगी, मतलब ये हमारी क्या बन गई, डायगोनल मैट्रिक्स बन गई। तो जो डायगोनल मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज क्या होती हैं, जो उसके डायगोनल में एलिमेंट्स आए वही उसकी आइगन वैल्यूज होती हैं। अब देखो, ए जो है इस डी के इक्विवेलेंट है, तो यानी इस जो मैट्रिक्स ये है, ठीक है, ये किसके बराबर है, डी के, और डी किसके इक्विवेलेंट है, ए के। तो यानी जो इसकी आइगन वैल्यूज होंगी वो क्या होगी, वही क्या होंगी, ए की आइगन वैल्यूज होंगी। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है इस मेथड को समझने के लिए, हम मान लेते हैं कि जो ए है मेरे पास, ये 3/3 है। दैट मीन क्या है, ए 11, ए 12, ए 13, ए 21, ए 22, ए 23, ए 31, ए 32, ए 33। ये क्या हमारे पास 3/3 मैट्रिक्स है, और ए हमारा क्या है, सिमेट्रिक, वेयर ए इज सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक का क्या मतलब है, यानी कि क्या होगा, ए 12 ए 21 के बराबर होगा, ए 31 किसके बराबर होगा, 13 के बराबर होगा, उसी तरह ए 23 ए 32 के बराबर होगा। तो दैट मीन आई कैन लिख सकता हूँ, दैट इज ए आई जे दिस इज इक्वल टू ए जे आई फॉर ऑल आई नॉट इक्वल टू जे। जहाँ पे आई और जे दोनों डिफरेंट है, वहाँ पे क्या है, ये दोनों वैल्यूज क्या होंगी, ये दोनों एलिमेंट क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, तभी मैट्रिक्स क्या होगी, सिमेट्रिक। अब देखो, हमारे पास क्या है, ये हमारा प्रिंसिपल डायगोनल है। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, जो इस प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़कर बाकी जहाँ पे भी जो एंट्रीज हैं उनको हमने ज़ीरो बनाना है। तो चाहे आप ऊपर वाली उठा लो, चाहे नीचे वाली उठा लो, क्योंकि मैट्रिक्स सिमेट्रिकल है। तो आप ऊपर अगर नॉन ज़ीरो इसको बनाओगे तो यहाँ पे, सॉरी इसको ज़ीरो बनाओगे तो यहाँ पे भी आपका क्या, ज़ीरो बन जाएगा। ठीक है, लेकिन हमने वो कौन से एलिमेंट को चूज़ करना है, वो हमने चूज़ करना है जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स में से न्यूमेरिकली लार्जेस्ट एलिमेंट कौन सा है, उसको हमने सबसे पहले क्या करना है, ज़ीरो बनाना है। ठीक है, तो हम वी चूज, चलो मैं मान लेता हूँ कि लेट A13 बी द न्यूमेरिकली लार्जेस्ट नॉन डायगोनल एलिमेंट। अब देखो, A13 क्या है, न्यूमेरिकली लार्जेस्ट का क्या मतलब है, अगर A12 हमारे पास 2 आ जाए, अगर A12 2 है, ठीक है, और A13 -5 है, तो जब आप मोड, न्यूमेरिकली लार्जेस्ट का मतलब जब आप मोड लोगे तो एब्सोल्यूट वैल्यू क्या बनेगी, 5। तो आपके मतलब क्या है, ये A13 क्या होगा, आपका लार्जेस्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, सबसे पहले लार्जेस्ट नॉन डायगोनल एंट्री को ढूंढना है, फिर उसको ज़ीरो बनाना है। ज़ीरो बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बनानी पड़ेगी। तो लेट बी क्या है, हमारे पास ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। अब देखो, मैट्रिक्स लिखने का क्या तरीका है, ये 13 की बात कर रहा है, तो हमारे पास कौन सा एलिमेंट हमने ज़ीरो करना है, 13। तो हमारे पास 13 प्लेन में ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स लिखनी है। ठीक है, 13 प्लेन में क्या है, 2 हमारे पास नहीं है,
रिपीट कर रहा हूँ, 1 3 प्लेन में क्या है, हमारे पास 2 नहीं है, तो 2 मीन्स आपकी सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम, ठीक है। तो जहाँ पे डायगनल पोजीशन है हमने 1 लिख देना, ठीक है, और सेकेंड कॉलम बाकी जो नॉन डायगनल एंट्रीज है उनको 0, और रो वाली एंट्रीज भी 0। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, इसमें क्या है देखो, 1 3 प्लेन में लिखना मतलब 2 मिसिंग है, तो आपने सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम में जहाँ पे अगर डायगनल एंट्री बन रही है उसको 1 कर देना, रेस्ट ऑफ द एलिमेंट विल बी 0। अब यहाँ पे क्या लिखना है आपने, यहाँ लिखना है कॉस थीटा, फिर इसका जो डेरिवेटिव बनेगा ये लिखना है माइनस साइन थीटा, अब यहाँ लिखना है साइन थीटा, इसका जो डेरिवेटिव बनेगा यहाँ लिखेंगे कॉस थीटा, ठीक है। ये क्या है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स लिखने का तरीका है, ठीक है। अगर मान लो हमारे पास समझने के लिए, जैसे अगर ए 2 3 मतलब ये क्या होता, न्यूमेरिकली लार्जेस्ट एलिमेंट होता, तो हमने बी की चॉइस किस तरह करनी थी, तो देखो यहाँ पे बी क्या है, 2 3 आ रहा है, मतलब 2 3 प्लेन में लिखना है, 1 मिसिंग है, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम अगर डायगनल एंट्री क्या आ जाएगी, 1, ये 0, ये भी 0, ये भी 0, यहाँ क्या लिखना है कॉस थीटा, इधर क्या लिख देना इसका डेरीवेटिव, यहाँ क्या लिखना है साइन थीटा, फिर क्या लिख लेना इधर इसका डेरीवेटिव कॉस थीटा, ठीक है। आप नीचे भी लिख सकते हो कॉस का डेरीवेटिव माइनस साइन थीटा, और इधर साइन थीटा इसका डेरिवेटिव कॉस थीटा, लेकिन आपने क्या करना, एक ही पैटर्न में लेके मैट्रिक्स चलनी है। अगर आपने यहाँ पे नेगेटिव लिखा तो जो सेकंड बी टू ट्रांसफॉर्मेशन होगी उसको भी यहाँ पे आपने नेगेटिव लेके लेना, थ्रू आउट वैसे ही लेके चलना है, ठीक है। अब देखो हमारे पास क्या है, ये बी क्या है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, तो बी हमारे पास क्या है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, तो बी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है, बी इनवर्स इक्वल टू बी ट्रांसपोज होता है, ठीक है। अब देखो हमने क्या निकालना है, हमने निकालना है, ये तो हमको पता ही है, वी नीड टू फिगर आउट दिस वन, बी इनवर्स ए बी इक्वल टू डी, ठीक है। तो अब देखो मुझे ये पता है कि बी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के कारण बी इनवर्स किसके बराबर होगा, बी ट्रांसपोज के, तो अब हमने क्या करना है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, पहले ए बी को कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ए एंड बी वहाँ फिर वैल्यू यहाँ रख देंगे, तो देखो ए हमारे पास क्या है, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। अब क्या करना, B की B रख दो, B हमारे पास क्या है, ये ऊपर लिखा हुआ है, तो क्या आएगा, cos थीटा 0 माइनस साइन थीटा 0 1 0 साइन थीटा 0 कॉस थीटा। अब क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो देखो फर्स्ट रो क्या होगी, फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी, फर्स्ट रो किसके साथ होगा, फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो हमारे पास क्या आ गया, A11 कॉस थीटा, अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0, फिर क्या आ जाएगा, प्लस A13 साइन थीटा। अब फर्स्ट रो इसके साथ मल्टीप्लाई होगी सेकंड कॉलम के साथ, तो हमारे पास सिर्फ क्या आ गया, A12। अब फर्स्ट रो इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो मेरे पास क्या आ गया, माइनस A11 साइन थीटा, सेकंड वाला 0 हो जाएगा, प्लस A13 कॉस थीटा। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी तो क्या आ जाएगा, A21 कॉस थीटा, ये 0 हो जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, A23 साइन थीटा। अब ये जब सेकंड रो सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी तो हमारे पास क्या आ जाएगा, A22। अब सेकंड रो थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी तो क्या आ जाएगा, माइनस A21 साइन थीटा, ये क्या हो जाएगा, 0, ये क्या हो जाएगा, A23 कॉस थीटा। अब लास्ट रो की बात करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, A31 कॉस थीटा, ये क्या हो जाएगा, 0, फिर क्या आएगा, प्लस A33 साइन थीटा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई 0, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास सिंपली A32। अब थर्ड रो थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी, माइनस A31 साइन थीटा प्लस A33 कॉस थीटा, तो ये हमारे पास क्या आ गई, ए बी की वैल्यू आ गई। हमको क्या निकालना है, बी इनवर्स ए बी, इसको निकालते हैं, तो बी इनवर्स ए बी निकालना है, तो बी इनवर्स की जगह पे
हम बी ट्रांसपोज भी लिख सकते हैं क्योंकि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, तो इसका जो हमने बी लिखा है इसका ट्रांसपोज कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, कॉस थीटा 0 माइनस साइन थीटा, यहाँ क्या आ गया 0 1 0, हेयर इज साइन थीटा 0 कॉस थीटा। अब क्या करना है, ये वाली मैट्रिक्स एज इट इज लिख लेनी है, तो यहाँ पे क्या आ गया ए 11 कॉस थीटा प्लस ए 13 साइन थीटा, ए 12 माइनस ए 11 साइन थीटा प्लस ए 13 कॉस थीटा। फिर नेक्स्ट रो लिखेंगे ए 21 कॉस थीटा प्लस ए 23 साइन थीटा, ए 22 माइनस ए 21 साइन थीटा प्लस ए 23 कॉस थीटा। फिर लिखेंगे इधर लास्ट रो ए 31 कॉस थीटा प्लस ए 33 साइन थीटा, ये आ गया ए 32 और ये वाला आ गया माइनस ए 31 साइन थीटा ए 33 कॉस थीटा। अब क्या करना है, हमने इसको मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखो क्या होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा ए 11 कॉस स्क्वायर थीटा, फिर क्या आएगा ए 13 कॉस थीटा साइन थीटा, फिर ये वाला एलिमेंट इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 0 आ गया, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा साइन थीटा, ए 31 कॉस थीटा साइन थीटा प्लस ए 33 साइन स्क्वेयर थीटा। ठीक है, अब नेक्स्ट एलिमेंट ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा ए 12 कॉस थीटा, ये तो क्या हो गया 0 हो गया, फिर क्या आ गया ए 32 साइन थीटा। अब क्या करना हमने, अब ये जो लास्ट रो से मल्टीप्लाई होगा, ये वाली रो जब लास्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो हमारे पास देखो क्या आ जाएगा माइनस ए 11 कॉस थीटा साइन थीटा प्लस ए 13 कॉस स्क्वायर थीटा, ये वाला एलिमेंट इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 आ गया, ये साइन थीटा क्या होगा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ए 31 साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए 33 कॉस थीटा साइन थीटा। अब एक्चुअल में हमको करना क्या है, हमको जो लार्जेस्ट एलिमेंट, देखो फिर सेकंड एलिमेंट आएगा, फिर यहाँ पे आएगा सेकंड रो में आएगा, थर्ड आएगा, ये आएगा, ये आएगा। ठीक है, अब लेकिन हमने करना क्या था, हमने नमेरिकली लार्जेस्ट एलिमेंट हमारा क्या बना था ए 13। ठीक है, तो हमने ए 13 को क्या करना था, 0 बनाना था, तो यहाँ पे ए 13 एलिमेंट हमारा ये बनेगा, अब इसको हमने क्या करना है 0 बनाना है, तो इसको 0 बनाने के लिए क्या कर देते हैं, पुटिंग माइनस ए 1 कॉस थीटा साइन थीटा प्लस ए 13 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ए 31 साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए 33 कॉस थीटा साइन थीटा इक्वल टू 0। आप ये वाले एलिमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो लेकिन मैंने मेथड समझाने के लिए इसको कैलकुलेट नहीं कर रहा क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, तो यही बता रहा हूँ कि हमने ए 13 क्योंकि ये हमारा लार्ज न्यूमेरिकली लार्जेस्ट एलिमेंट था नॉन डायगनल एलिमेंट, इसको हमने 0 बनाना था, तो हमने क्या किया इस पूरे को 0 सब्स्टिट्यूट कर दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, अब हमने करना क्या है, देखो यहाँ पे हमारे पास मैट्रिक्स क्या है, सिमेट्रिक, तो यानी मैं ए 13 की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, ए 31 लिख सकता हूँ। ठीक है, या ए 31 की जगह पे 13 लिख सकता हूँ, तो लिख देता हूँ एज ए इज सिमेट्रिक, दिस इम्प्लाइज ए 31 दिस इज इक्वल टू 1 ए 13, तो कर देते हैं इसमें, और इसमें भी देखो हमारे पास क्या है, इस वाले में क्या आ रहा है, कॉस थीटा और साइन थीटा कॉमन आ रहा है, तो हमारे पास क्या आ गया कॉस थीटा साइन थीटा कॉमन आ गया, इधर आ गया ए 33 माइनस ए 11, यहाँ पे क्या आ गया ए 13 कॉमन आ गया, इनसाइड क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा दिस इज इक्वल टू 0, क्योंकि ए 31 किसके बराबर आ गया ए 13, तो इसलिए ये कॉमन आ गया, तो यहाँ से हम देख सकते हैं ये हमारे पास क्या आ गया ए 13 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा दिस इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ
कॉस थीटा साइन थीटा ए थ्री थ्री माइनस ए वन वन। अब ये क्या है, इसको हम लगा सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक वाला फार्मूला लगा दिया तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस टू थीटा में। अब ये वाला नेगेटिव था, अंदर एडजस्ट कर दिया और वन बाय टू और टू से मल्टीप्लाई कर दिया फार्मूला बनाने के लिए, और हम कह सकते हैं टू से मल्टीप्लाई और टू से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे नेगेटिव एडजस्ट कर दिया, ए वन वन ए थ्री थ्री आ गया, तो ये भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन टू थीटा में। तो क्या आ गया, ए वन थ्री कॉस टू थीटा दिस इज इक्वल टू हाफ साइन टू थीटा, हेयर वी गेट ए वन वन माइनस ए थ्री थ्री। अब क्या करना है, यहाँ से टेन थीटा निकालो, टेन थीटा बनाने के लिए इसको इधर डिवाइड करना पड़ेगा, बाकियों को उधर ले जाना पड़ेगा, तो हमारे पास क्या आ गया, टू ए वन थ्री डिवाइडेड बाय ए वन वन माइनस ए थ्री थ्री साइन टू थीटा बाय कॉस टू थीटा। अब ये हमारे पास क्या आ गया, टेन टू थीटा दिस इज इक्वल टू टू ए वन थ्री बाय ए वन वन माइनस ए थ्री थ्री। ठीक है, अगर इसको हम जनरलाइज कर दें तो हमारे पास क्या बन जाएगा, टेन टू थीटा। अब देखो यहाँ पे इसको आई है और ये क्या हमारा जे है, तो टू ए आई जे दिस इज इक्वल टू ए आई आई माइनस ए जे जे। ठीक है, तो यहाँ से जो हमारे पास थीटा की वैल्यू मिलेगी, थीटा की वैल्यू किस में लाई करेगी, माइनस पाई बाय फोर से लेके पाई बाय फोर तक, ये थीटा की हमारे पास रेंज है, इसमें लाई करेगी। ठीक है, अब ये क्या करेंगे, अगर हमारे पास थीटा निकल गया, अगर थीटा निकल गया तो वहाँ से हम क्या देख सकते हैं, देखो हमारे पास क्या है, बी की वैल्यू निकल जाएगी, जो बी मैट्रिक्स है। ठीक है, अगर ये मैट्रिक्स निकल, क्योंकि थीटा रखेंगे यहाँ पे, ये हमारे पास एलिमेंट्स आ जाएंगे। ठीक है, तो अब क्या है, ठीक है, तो अब क्या है हमारे पास, ए में वो ए वन थ्री एलिमेंट, ए में ए मैट्रिक्स में हमारे पास ए वन थ्री एलिमेंट, ये क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, अगर ये ज़ीरो हो गया तो ये क्या होगा, ए थ्री वन भी ज़ीरो हो जाएगा। अब उसके बाद है ये जो मैट्रिक्स बन जाएगी, ठीक है, एक्चुअल में क्या होगा, जो मैट्रिक्स बन जाएगी, फिर हमने उसमें अगेन क्या देखना, लार्जेस्ट नॉन डायगनल एलिमेंट देखना है, फिर हमने उसको ज़ीरो बनाने के लिए टेन थीटा निकालना है। ठीक है, फिर बी मैट्रिक्स फिगर आउट करनी है। ठीक है, ये प्रोसेस को रिपीट करना है। ठीक है, एज ए नेक्स्ट स्टेप, द लार्जेस्ट नॉन डायगनल एलिमेंट इन द न्यू रोटेशन मैट्रिक्स इज फाउंड। अब और क्या करना है, इस प्रोसीजर को हमने रिपीट करते जाना। ठीक है, बाय यूजिंग अबव मेथड अगेन वी कैन फाइंड बी टू मैट्रिक्स, जो हमने पहले निकाली थी, जो पहले बी निकाला उसको हम बी वन नाम दे देते हैं। ठीक है, तो ये हम इसको क्या करते हैं, इसको बी वन नाम दे देते हैं। ठीक है, इसको बी वन आपने नाम दे देना, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ स्टेप लग सकते हैं, जो नेक्स्ट मैट्रिक्स आएगी उसको हमने क्या किया, बी टू नाम दे दिया। ठीक है, अब ये क्या करना, हमने ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन करते, ये बी मैट्रिक्स क्या करनी, इसी तरह ट्रांसफॉर्मेशन करते जाना है जब तक ये पूरा का पूरा गया, इसमें डायगनल एलिमेंट को छोड़कर नॉन डायगनल एलिमेंट्स जितने भी आ रहे हैं वो सारे के सारे क्या हो जाएं, ज़ीरो हो जाएं। ठीक है, तो मैं मानता हूँ कि चलो, लेट आफ्टर मेकिंग आर ट्रांसफॉर्मेशंस वी ऑब्टेंड, तो आर ट्रांसफॉर्मेशन लगाई तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बी आर इनवर्स बी आर माइनस वन इनवर्स अप टू सोन बी टू बी वन, यहाँ पे क्या रह जाएगा ए, और ये क्या आ गया, बी वन बी टू अप टू सोन बी आर माइनस वन बी आर। ठीक है, अब इसको इस ये जो पूरा प्रोडक्ट है इसको हमने क्या किया, बी नाम दे दिया, तो बी नाम दे देंगे तो इधर क्या आ जाएगा, पूरे का इन्वर्स आ जाएगा, इधर भी इन्वर्स आएगा, इधर भी आएगा, तो मेरे इसको मैंने बी नाम दे दिया, तो यहाँ क्या लिख सके, पूरे का ओवरऑल इन्वर्स लिख सकते हैं, फिर उस पर क्या लगेगा, रेसिप्रोकल ला, सॉरी रिवर्सल ला लग जाएगा। तो यहाँ पे क्योंकि हमको ये पता ना कि ए बी इन्वर्स
इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स होता है, ठीक है। तो अगर ये बी है, बी की फॉर्म में लिखोगे तो ये पहले साला सारा का सारा क्या आएगा, सीधा आएगा, फिर वो क्या आएगा, इन्वर्स लग जाएगा सारा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, ये क्योंकि इसको मैंने बी मान लिया तो यहाँ आ गया बी इनवर्स ए बी, ठीक है। और जैसे ही आर इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, एज आर अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, बी इनवर्स ए बी अप्रोचेस टू ए डायगनल मैट्रिक्स। तो डायगनल मैट्रिक्स में जो एलिमेंट आ जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, ए की आइगन वैल्यूज हो जाएंगे, ठीक है। अगर हमने आइगन वेक्टर निकालने ए के, तो क्या होंगे आइगन वेक्टर, क्या होंगे आइगन वेक्टर को हम बी से डिनोट करेंगे, तो आइगन वेक्टर क्या होंगे, जितनी भी ट्रांसफॉर्मेशन हमने ली है उनका प्रोडक्ट कर देना। तो यहाँ पे हमने आर ट्रांसफॉर्मेशन लेके चल रहे हैं, इन सब का प्रोडक्ट कर देना, ये क्या आ जाएंगे, आइगन वेक्टर्स ऑफ ए मैट्रिक्स ए आ जाएंगे, ठीक है। अब इस पे बेस्ड हम क्वेश्चन भी कर लेते हैं, क्वेश्चन से थोड़ा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन को क्या करना है, जैकोबीज मेथड से सॉल्व करना है। तो ये देखो, ये हमारा ये जो है ये क्या आ गया, प्रिंसिपल डायगनल आ गया। अब देखो, अगर न्यूमेरिकली लार्जेस्ट नॉन डायगनल एंट्रीज देखें तो हमारी क्या बन रही है, टू बन रही है। अब टू कौन सा एलिमेंट है यहाँ पे, ए वन थ्री इक्वल टू टू। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, टेन थीटा निकालना है। तो टेन टू थीटा ये किसके बराबर हो जाता, ए आई जे ए आई आई माइनस ए जे जे। तो हमारा ए कौन सा एलिमेंट है, वन थ्री, तो यहाँ लिखेंगे ए वन थ्री बाय जो आई है, आई वन है तो वन वन, और जे कितना है, थ्री थ्री। तो यहाँ पे वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं, इसकी टू है और ए वन वन हमारे पास क्या है, वन, और ए थ्री थ्री कितना है, ये भी क्या है, वन। तो नीचे ज़ीरो बन रहा है, तो ये क्या आ गया, टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो हमारे पास टू थीटा क्या आ गया, फाइव बाई टू आ गया। इसका मतलब क्या है, थीटा कितना आ गया हमारे पास, फाइव बाई फोर आ गया। अब हमको क्या करना है, अब हमको ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स निकालनी है बी, ठीक है। तो अब देखो, हमारा एलिमेंट कितना है, कौन सा है, ए वन थ्री को हमने ज़ीरो बनाना है, ठीक है। ए वन थ्री प्लेन में देखो, टू हमारे पास नहीं है, ए वन थ्री प्लेन में टू तो होगा, तो यहाँ पे टू है, अगर डायगनल पोजीशन पे है तो वहाँ एलिमेंट हम वन लिखेंगे, रेस्ट ऑफ द एलिमेंट विल बी ज़ीरो, सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम। यहाँ लिखेंगे कॉस थीटा, और इस साइड क्या लिखेंगे, उसका डेरिवेटिव, दैट इज माइनस साइन थीटा। यहाँ लिखेंगे साइन थीटा, फिर इसका डेरिवेटिव कॉस थीटा। थीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास, पाई बाय फोर, तो सब्सटीट्यूट कर देते हैं, तो ये वैल्यू बन जाएगी वन बाय रूट टू ज़ीरो, माइनस वन बाय रूट टू ज़ीरो वन ज़ीरो, हेयर वी गेट वन बाय रूट टू ज़ीरो वन बाय रूट टू। अब नेक्स्ट थिंग हमको क्या करनी है, वी नीड टू फाइंड बी इनवर्स ए बी, ठीक है। अब बी जो हमने निकाला ये क्या, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है, B इनवर्स दिस इज इक्वल टू B ट्रांसपोज, ये इनवर्स है, ठीक है, B इनवर्स इक्वल टू B ट्रांसपोज। अब हमने ये वैल्यू निकालनी है, ये वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पहले ए बी को निकाल लेते हैं। तो ए बी, ए के एलिमेंट्स क्या हैं, ए हमारे पास देखो क्या है, फर्स्ट रो है वन रूट टू, वन रूट टू टू, और फिर क्या है, रूट टू थ्री रूट टू रूट टू थ्री रूट टू, ठीक है। लास्ट रो क्या है, टू रूट टू वन, और बी क्या है हमारे पास, ये जो निकला है बी क्या है हमारे पास, वन बाय रूट टू ज़ीरो माइनस वन बाय रूट टू ज़ीरो वन ज़ीरो वन बाय रूट टू ज़ीरो वन बाय रूट टू। अब क्या करते हैं, इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी, तो हमारे पास क्या आ गया। अब यहाँ पे देखो एक बात और है, हमको नहीं पता कि ये पहली वाली ट्रांसफॉर्मेशन ही पूरी मैट्रिक्स को डायगनल में रिड्यूस करेगी कि नहीं, तो हम इसको क्या कर लेते हैं, इस ट्रांसफॉर्मेशन को बी वन नाम दे देते हैं। तो यहाँ पर बी वन आ गया, यहाँ पर भी क्या आ गया, बी वन, और यहाँ पर भी क्या आ गया, बी वन आ गया, ठीक है। अब क्या किया हमने,
फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या आ गया, 1/√2, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 0, नेक्स्ट क्या आ जाएगा, प्लस 2/√2। अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, सिंपली हमारे पास क्या आ जाएगा, √2। और फर्स्ट रो जब थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -1/√2 प्लस 2/√2। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो हमारे पास क्या आ गया, 1, ये इधर हुआ 0, इधर क्या हो गया, 1, 1+1 आ गया। ये वाली इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो सिंपली क्या आएगा, 3। ये सेकंड रो थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी तो क्या आ जाएगा, -1, 3 वाला 0 हो गया, इधर क्या आ जाएगा, +1। अब लास्ट वाली रो करते हैं, इधर मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा, 2/√2, ये वाला तो 0 हो गया, इधर क्या आ जाएगा, +1/√2। ये वाली रो इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी तो क्या आ जाएगा, √2, और ये वाली रो इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी तो क्या आएगा, -2/√2 +1/√2। तो इसको सिंपलीफाई करके लिख लेते हैं, क्या क्या बन गया हमारे पास, ये बन जाएगा 3/√2, और ये आ जाएगा 1/√2, 2, 3, 0, ये आ गया 3/√2, एंड दिस इज -1/√2। अब हमको क्या निकालना, वी नीड टू फाइंड दिस B1 इनवर्स AB1, ठीक है। तो इसको हम नाम दे देते हैं D1, ये पूरे के पूरे को, क्योंकि मे भी हमको B2 भी निकालना पड़े, ठीक है। तो अब देखो B1 इनवर्स, अब मुझे पता है कि B जो है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, यानी B का अगर इनवर्स, B इनवर्स किसके बराबर होगा, B ट्रांसपोज, तो ये हमने B लिखा ही है, तो इसका ट्रांसपोज कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/√2, 0, -1/√2, 0, 1, 0, 1/√2, 0, 1/√2। और देखो ए बी वन की वैल्यू निकाली है, ये जो वैल्यू है किसकी है, ए बी वन की, तो ये क्या है, 3/√2, 2, 1/√2, 2, 3, 0, 3/√2, 2, -1/√2। अब क्या करते हैं, हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखते हैं क्या क्या बनता है। तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो सिंपली मेरे पास क्या आ गया, 3/2, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 0, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, 3/2, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो मेरे पास क्या आ गया, इधर 1 आ गया, ये क्या आ गया, 0 हो गया, ये भी क्या आ गया, 1 आ गया। ये वाली रो इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो 1 आ गया, 0 आ गया, इधर क्या आ जाएगा, -1 आ गया। ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, सिंपली मेरे पास इधर 2 आ जाएगा। ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3 आ जाएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा, 0 ही आ जाएगा पूरा का पूरा। अब ये वाली रो इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो क्या आ जाएगा, -3/2, ये 0 हो गया, इधर क्या आ जाएगा, +3/2, और ये थर्ड रो इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो क्या आ गया, -1, 0, और ये इसके साथ +1। अब ये वाली रो इसके साथ मल्टीप्लाई हुई तो क्या आ गया, -1, 0, फिर अगेन क्या आ गया, -1 आ गया। तो मेरे पास क्या आ गया, अब यहाँ पे देखो इस वाले में हमने थोड़ी गड़बड़ कर दी है, तो ये -1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1/2, और ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे भी क्या आएगा, -1/2। तो ये गलती हुई थी हमसे, तो हमने करेक्ट कर दी। तो इसको सॉल्व करके कितना आ गया, देखो 6/2, दैट मीन 3 आ गया, ये क्या आ गया, 2 आ गया, ये क्या आ गया, 0 आ गया, इधर क्या आ गया, 2, 3, 0, एंड हेयर इज वी गेट 0, 0 एंड -1। अब ये आपके पास क्या आ गया, दिस टर्न टू बी D1। अब यहाँ पे देखो A13 हमने 0 बना दिया, ठीक है। अब क्या करना है इस मैट्रिक्स में, अब इस मैट्रिक्स में देखो, ये तो आपका हो गया प्रिंसिपल डायगोनल, ठीक है। अब इसमें देखो लार्जेस्ट नॉन डायगोनल एंट्रीज कौन सी है, ये है, ठीक है, क्योंकि देखो मैट्रिक्स सिमेट्रिक है, तो इसका मतलब है कि अगर आप यहाँ पे 0 बनाएंगे यहाँ पे भी बन जाएगी। तो देखो कौन से कहाँ पे 0 मिल रहे, लार्जेस्ट नॉन डायगोनल एलिमेंट कौन सा है, A12 = 2 इज़ द
लार्जेस्ट नॉन डायगनल एलिमेंट, अब हमको क्या करना है, टेन थीटा निकालना है। तो टेन टू थीटा क्या फार्मूला था हमारे पास, ए आई जे ए आई आई माइनस ए जे जे। तो यहाँ ए वन टू है तो आई यहाँ पे वन है और जे कितना है टू टू, तो ये है तो टू है। अब देखते हैं ए वन वन कितना है हमारे पास, तो ए वन वन क्या है हमारे पास थ्री है, ए टू टू भी क्या है थ्री है, थ्री माइनस थ्री ज़ीरो, डिनोमिनेटर में ज़ीरो आ रहा है तो ये टेन इन्फिनिटी हो जाएगा। तो टू थीटा हमारे पास कितना आ गया, पाई बाय टू आ गया, थीटा कितना आ गया पाई बाय फोर आ गया। ठीक है, अब थीटा हमारे पास पाई बाय फोर आ गया, ये ज़रूरी नहीं कि हर बार इन्फिनिटी को ही अप्रोच करें, ठीक है, तो ये कोई और भी वैल्यू आ सकती है तो उसके अकॉर्डिंग हमने कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा क्या बन रहा है, थीटा पाई बाय फोर। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स निकालनी है बी टू। ठीक है, तो हमने किस प्लेन में लेनी है, देखो यहाँ पे क्या बन रहा है ए वन टू, तो हमको ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स लेनी है कहाँ, वन टू प्लेन में। तो यहाँ पे देखो वन टू प्लेन में थ्री तो है ही नहीं, तो जो थर्ड रो होगी और थर्ड कॉलम होगा वहाँ पे एलिमेंट क्या आ जाएंगे ज़ीरो ज़ीरो, अगर डायगनल पोजीशन पे बन रहा है तो वहाँ क्या आ जाएगा वन, और बाकी यहाँ ले क्या लिखना है कॉस थीटा, इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा माइनस साइन थीटा, यहाँ क्या लिखना है साइन थीटा, यहाँ क्या आ जाएगा कॉस थीटा। अब आपने क्या निकालना, b2 inverse d1 b2, ये वैल्यू निकालनी, क्योंकि d1 से अब क्या है, जो आप d1 को नॉन और जो d1 में जो नॉन डायगनल एंट्रीज है उनको ज़ीरो बना रहे हो। ठीक है, तो अब आपके पास क्या आ गया यहाँ पे b2, अब क्या करते हैं ये वैल्यू हमने क्या करनी निकालनी है, तो हम पहले क्या करते हैं ये वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं डी वन बी टू। अब थीटा हमको पता ही है, थीटा कितना आया पाई बाय फोर, तो सब्सिट्यूट कर देते हैं यहाँ पे वन बाय रूट टू माइनस वन बाय रूट टू ज़ीरो, वन बाय रूट टू, वन बाय रूट टू ज़ीरो 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 वन। ठीक है, अब क्या करना है डी वन की वैल्यू सब्सिट्यूट कर दो, डी वन हमारे पास क्या है देखो थ्री टू ज़ीरो टू थ्री ज़ीरो, थ्री टू ज़ीरो टू थ्री ज़ीरो, और लास्ट रो क्या है ज़ीरो ज़ीरो माइनस वन, और बी टू क्या है ये मैट्रिक्स तो लिख लेते हैं वन बाय रूट टू माइनस वन बाय रूट टू ज़ीरो, वन बाय रूट टू, वन बाय रूट टू ज़ीरो 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 और वन। अब हमने क्या करना है इसको मल्टीप्लाई कर देना, तो मल्टीप्लाई करते हैं तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी तो हमारे पास क्या आ गया थ्री बाय रूट टू प्लस टू बाय रूट टू। ठीक है, ये ज़ीरो ही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा माइनस थ्री बाय रूट टू प्लस टू बाय रूट टू, लास्ट वाला तो ज़ीरो ही है, तो इधर मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ गया हमारे पास ज़ीरो ही आ गया। ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो देखो क्या बनेगा टू बाय रूट टू प्लस थ्री बाय रूट टू, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास माइनस टू बाय रूट टू प्लस थ्री बाय रूट टू, और लास्ट वाला ये तो ये क्या है ये तो इधर तो ज़ीरो ही आएगा, ये इसके साथ होगा यहाँ पे भी हमारे पास क्या आ गया ज़ीरो आ गया। अब लास्ट वाले में करेंगे तो क्या आएगा ज़ीरो ही बन रहा है, ये इसके साथ करेंगे ये ज़ीरो ही बन रहा है, इसके साथ करेंगे तो क्या आएगा माइनस वन। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये हमारे पास कितना आ गया फाइव बाय रूट टू आ गया, ये कितना आ गया माइनस वन बाय रूट टू आ गया, यहाँ पे ज़ीरो आ गया, ये आ गया फाइव बाय रूट टू, ये आ गया माइनस, ये प्लस आएगा प्लस वन बाय रूट टू ज़ीरो 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 माइनस वन। ठीक है जी, अब हमने क्या करना है, देखो क्या निकालना था बी टू इनवर्स डी वन बी टू, बी टू इनवर्स डी वन बी टू। अब क्या करना है आपने, अब देखो बी टू इनवर्स क्या है बी ट्रांसपोज के बी टू के ट्रांसपोज के साथ रिप्लेस हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है हमारे पास ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, तो बी टू ये है तो इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं, क्योंकि अगर ऑर्थोगोनल है तो बी टू ट्रांसपोज सॉरी बी टू इनवर्स किसके बराबर होगा बी टू ट्रांसपोज के बराबर होगा, तो यहाँ पे ये बी टू दिख ही रही है तो इसी का ट्रांसपोज ले लेते हैं,
और इधर क्या आ गया हमारे पास डी वन बी टू की वैल्यू, तो ये क्या है 5/√2 -1/√2 0 5/√2 1/√2 0 0 0 माइनस। अब क्या करते हैं इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करते हैं तो देखते हैं क्या बनता है। तो देखो ये क्या ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो क्या आ गया फर्स्ट रो कॉलम के साथ 5/√2 आ गया, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या आ गया 5/2 आ गया, इधर होगा तो 0। अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो -1/2, ये इसके साथ होगा तो +1/2, इधर तो 0 ही है, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये पूरी 0 ही आ रहा। अब ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो मेरे पास क्या आ गया -5/2, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो क्या आ गया 5/2, ये इधर मल्टीप्लाई हुआ तो क्या आ गया 1/2, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो क्या आ गया 1/2, ये इधर वाला होगा तो 0 ही है, इधर तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुई है थर्ड वाला तो 0 ही आ रहा। अब ये क्या है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ 0 ही आ रहा। अब लास्ट वाला करते हैं तो यहाँ पे क्या आ रहा है मेरे पास 0 ही आ रहा है, यहाँ पे भी क्या आ रहा है 0 ही आ रहा है, और ये इसके साथ होगा तो क्या आ रहा है -1 आ रहा है मेरे पास। ठीक है जी, अब क्या करते हैं इनको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो जब सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो क्या बन जाएगा, ये 10 बन गया डिवाइडेड बाय 2 होगा तो क्या आ गया 5 ही आ गया, यहाँ पे 0 आ गया 0 आ गया, ये भी 0 आ गया, ये क्या 1 के बराबर आ गया 0 0 0, और यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया -1 आ गया। ठीक है, अब देखो ये क्या पूरी की पूरी क्या है डायगनल मैट्रिक्स में रिड्यूस होगी, क्योंकि प्रिंसिपल डायगनल में क्या है प्रिंसिपल डायगनल को छोड़कर बाकी सभी जगह पे क्या आ रहा है जीरोज आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि ये हमारे पास फाइनल आउटपुट आ गई। ठीक है, तो जो D2 हमारा है, ठीक है D2 इसको हमने पूरे को नाम दे दिया, ये आ गया हमारे पास 5/0/0/0/1/0/0-1। ठीक है जी, तो यानी अब देखिए ये क्या है ये इक्वलन टू ए हो गया, ये जो वैल्यू है ये क्या है D2 की ना इक्वलन टू ए हो गया, तो यानी इसकी जो आइगन वैल्यूज है वो ए की होंगी, हैंस द आइगन वैल्यूज ऑफ ए आर क्या आ जाएगा 5/1 -1। अगर हमने आइगन वेक्टर निकालने आइगन वेक्टर्स कॉरस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यूज वो क्या होगा वी होगा, बी किसके बराबर होगा जो आपने ट्रांसफॉर्मेशन की है, कितनी ट्रांसफॉर्मेशन ली है 2 B1 B2, तो B1 आपके पास क्या था 1/√2 0, ऊपर देख सकते हैं मैं यहीं से लिख रहा हूँ नोटबुक से -√2, ये क्या 0/1 0/1/√2 0/1/√2, और B2 आपके पास क्या आया था 1/√2 -1/√2 0/1/√2 1/√2 0/0/0/1। अब जस्ट क्या करना आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करके जो बन रहा है वो बनेगा 1/2 -1/2 -1/√2, यहाँ रूट है 1/√2 1/√2 0 हाफ -1/2 और 1/√2, तो ये क्या आपके पास आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर्स बन गए। ठीक है, तो हमने इसी तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्वेश्चन में भी लेंथी हो गया वो लेक्चर, ठीक है, लेकिन हमको कॉन्सेप्ट और क्या है क्वेश्चन कैसे करने ये क्लियर हो गया। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट, ठीक है, एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। ठीक है, हम और इसके बारे में न्यूमेरिकल मेथड पे और वीडियो बनाते जाएंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।